शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आम आदमी पार्टी की नेता चित्रा सरवारा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हरियाणा बहुत अच्छी पोजीशन पर है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि चित्रा सरवारा को दिल्ली का 9वीं और 11वीं का भी रिजल्ट देखना चाहिए। प्रचार में तो भाजपा का कोई मुकाबला हो नहीं सकता जी, तो हमें मास्टर्स को उनकी जगह देनी चाहिए। और हम आज आपके प्रेस के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हम कंवरपाल गुर्जर जी को इनवाइट करते हैं कि दिल्ली के किसी भी स्कूल को आकर देखें जो कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा संचालित है। एमसीडी के स्कूल्स इनके अंडर नहीं थे। अभी जो है आम आदमी पार्टी ने एमसीडी को जीता, भाजपा के गढ़ को भेदा, तो वहाँ पर अब बदलाव आने शुरू हुए हैं। और अगर ये कहना कि हरियाणा बड़ा स्टेट है, तो बड़े स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, हम ज़्यादा खुशहाल हैं, देश के टॉप जीडीपीज में से हरियाणा के जीडीपी आता है और आपका पर कैपिटा इनकम देश की टॉप हरियाणा के अंदर है, तो हरियाणा के बच्चों को एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है यहाँ पे, हमारा किसान खुशहाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हरियाणा बहुत अच्छी पोजीशन में है और चित्रा सरवारा जी ने जो आरोप लगाया, मेरे अभी कुछ पत्रकारों के साथ बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि इनके कुछ स्कूल हैं उनको तो आप देख सकते हैं जाके, लेकिन जो बाकी के स्कूल हैं आप वहां जाके उनको देख नहीं सकते, कोई खबर बना नहीं सकते, वीडियो जारी नहीं कर सकते। अगर वहीं इन्हीं के जो मुख्य अध्यापक हैं वो साफ कहते हैं कि सरकार का आदेश है, आप इसको देख नहीं सकते। ये बिल्कुल उकरी उसी तरीके से है जिस तरीके से कम्युनिस्टों के राज में होता था कि जो चीज़ वो दिखाना चाहते हैं वो तो आपको दिखाएंगे, जो चीज़ नहीं दिखाना चाहते वो आपको नहीं दिखाएंगे। मैं आपको ही कह रहा, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ही कह रहा कि आप ही जाके देख लो उनके स्कूलों को। वो कुछ स्कूल हैं जिनको वो दिखाते हैं जहाँ उनके स्विमिंग पूल है या कुछ है, वो 20-30 स्कूल है, बार बार उसी को दिखाते हैं और ये उनका एक तरीका है। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि हमारा रिजल्ट अच्छा रहा, तो मेरा निवेदन ये है कि उनका 9th का रिजल्ट देखो पहले क्या है, उसमें कितने बच्चे फेल करे, फिर 11वीं का रिजल्ट देखो उसमें कितने बच्चे फेल करे, तो जानबूझ के उन बच्चों को फेल करके ताकि अगली क्लास का जो 12वीं का रिजल्ट दिखाना वो उनका अच्छा आना चाहिए, जो 10वीं का रिजल्ट आना वो उनका दिखाना चाहिए। तो दिखावे में इनका बहुत बड़ा विश्वास है कि केवल ये जनता के सामने जाएगा, ये दिखाना चाहिए।